एवरीवन, मैं समय टू बात कर रिएक्शंस कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का थर्ड मैच हो चुका है, जो कि इंडिया ने तीसरी दफ़ा मैच जीत लिया है। और जिसमें अब जैसे मैं कहती हूँ, हर दफ़ा हर मैच में अलग प्लेयर ही अलग कमाल करता है। तो इस दफ़ा शुभमन गिल की बारी थी, जिन्होंने सेंचुरी से ज़्यादा किया, हाफ सेंचुरी से ज़्यादा किया है, 60+ किया है। और जैसे लास्ट टाइम अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी की थी, सो मैंने कहा था कि इट्स टू अर्ली टू से कि शुभमन गिल नहीं होंगे या ये नहीं होगा, उसकी जगह अभिषेक होगा, क्योंकि अभी सबकी परफॉर्मेंसेज हर मैच में अलग तरह से दिखेंगी। एंड देन फिर फैसला किया जाएगा कि कौन परमानेंट होगा टीम में और कौन नहीं होगा। सो शुभमन गिल की कैप्टनसी में ये उनकी फर्स्ट हाफ सेंचुरी थी। सो देखते हैं कि कैसा रहा मैच, इसने कैसा परफॉर्म किया। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जल्दी जल्दी से 50K सब्सक्राइबर्स तक हमने जाना है। अब उसके बाद फिर 100K तक जाएंगे और फिर कुछ स्पेशल सा करेंगे। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो और चेक करते हैं क्या है इस वीडियो में। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इन डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक सेंड कर सकते हैं। एंड लेट्स प्ले दिस वीडियो। प्रिंस इज बैक। दो मैचेस में शुभमन गिल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, नाउ फाइनली ही इज बैक। जहाँ टीम की मर्जी उधर मैं बैटिंग करूंगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग और नंबर तीन में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि स्पेशली अच्छा नंबर तीन पे हो गया है तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। गेल 77 अभिषेक शर्मा ने कितने किए हैं वैसे इस दफा, काफी छक्के चौके पड़े हैं, लग रहा है बड़ी बड़ी शॉट्स। अच्छा मुझे आज पता चला शुभमन गिल का 77 है। रवि बिश्नोई कैच, ओह वाओ यार, कैच पकड़ने की ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त है इंडियंस की। रवि बिश्नोई को मैंने पहली दफा देखा है भी, मुझे पता नहीं है इतना उनका। अभिषेक शर्मा चैन गुली के मैन गुली याद आ जाता है इस म्यूजिक से। आई थिंक ये जब उन्हें सेंचुरी की थी ना, ये तब वाला है क्लिप। ये दोनों जो यंग प्लेयर्स है ना, दोनों फ्रेंड्स, कमाल है, लड़कियों का न्यू क्रश दोनों ही। यार ये गाना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा हो गया अब इस गाने का, बस कर दो अब कुछ खास नहीं है सॉन्ग में, बस डांस अच्छा है। हाँ शुभमन गिल ऐसे आउट हो गए थे पहले में और दूसरे में भी। कम बैक हो चुका है गिल का, कैप्टन से संभालना इतना आसान काम नहीं है, स्पेशली अभी यंग है सब। ऋतुराज गायकवाड़ ने आके नीचे से रन बना दिए, उसने आते ही 10 बॉलों में 19 रन बना दिए थे भाई, उसने आते ही अच्छा स्टार्ट ले लिया था। अच्छा अपनी पारी देखो, 175 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है। तो ऋतुराज ने भी अच्छी मतलब रन, देखते हैं अभी कितने आगे बढ़ चलेगा कैप्टन गिल एंड हिज बॉयज। पहले होता था कैप्टन रोहित शर्मा एंड हिज बॉयज। जब हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो आई थिंक हार्दिक पांड्या को मिल जाएगी कैप्टनसी। हस्बैंड मटेरियल, ओहो अच्छा शुभमन गिल के हमेशा मैंने छोटे छोटे बाल देखे हैं, आई थिंक इसको भी बड़े बाल रख के ट्राई करने चाहिए, कैसे आई थिंक अच्छे लगेंगे बड़े बाल।
सुमन गिल और अभिषेक शर्मा दो लड़कियों की नजरों में आजकल चल रहा है। जब भी मैं उसके बैट से खेला हूँ अच्छा हुआ है, आज भी सबको बताना चाहता हूँ कि अच्छा किसके बैट से जो कि बहुत मुश्किल से मिला मुझे, वो देता भी नहीं है इजीली। दैट इज लाइक माय लास्ट शुभमन गिल लगता है कि कम बैक के लिए उसके बैट से खेलना पड़ेगा। तो अच्छा आश्रिय चैन कोहली की मैन कोहली वाला बैट शुभमन गिल का है। मच नीडेड लाइक इनिंग फॉर मी एंड फॉर द टीम एज वेल। वाह यार ऐसा कौन सा जादू है। ऋतुराज गायकवाड़ ने आज बताया है कि भाई मुझे कहीं खिला लो पर खिला लो, हाँ मेरे को कोई नंबर दे दो कोई दिक्कत नहीं। थर्टी वन के बंदे हैं भाई तुम तो छा गए। हाँ हीरिन तो नहीं कैप्टन गिल अच्छा ये बैट बड़ा खास है इसका मतलब है शुभमन गिल का। द मेंटर्स एंड द स्टूडेंट्स हाँ युवराज सिंह और एमएस धोनी और कौन है ऋतुराज रिंकू एंड आई थिंक अभिषेक शर्मा होगा ना युवराज सिंह का स्टूडेंट। वाओ यार बट मैजिक अच्छा उनके खेलने का स्टाइल भी वैसे ही एडिटिंग में डाला हुआ है जहाँ पे वो सेम तरीके से खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है शुभमन गिल इन 5 मैचों में कम से कम 10 ऑल राउंडर बना के जाएगा। अच्छा ऐसा कैसे खराब हो रही है उसकी पता लगे दूसरों को ऑल राउंडर बनाते बनाते अपनी टीम में से जगह ही कटवा ली। ओ माय गॉड नहीं 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 जगह नहीं कटेगी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए फर्स्ट 50 एज कैप्टन। अब ये जो ऊपर वाले 3-4 प्लेयर्स हैं उनको अपना बेस्ट देना पड़ेगा अगर इनको जगह चाहिए तो, क्योंकि जगह कम है और प्लेयर्स ज्यादा हैं। अच्छा यशस्वी 36 शुभमन 66 ऋतुराज 49 यार 50 होने जाने चाहिए थे। एक रन और हो जाता ना तो मजा आ जाता। It's officially Shubman Gill Zara. Shubman Gill. Wow, bhai, Shubman, har taraf. ये गाना मुझे बड़ा मजे का लगता है। IPL में भी ऐसे कैप्टन उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो हो ही गई थी। ओह दिस गाय इज यार दोनों ही अच्छे हैं वैसे। ओए होए होए The look he is giving. शुभमन गिल का तो बहुत नाम आता है सारा के साथ। What about अभिषेक शर्मा is he single? So ये मैच में हर तरफ शुभमन गिल की बातें हो रही हैं। और ये वीडियो में भी ज्यादा शुभमन गिल को ही देखा मैंने। और कैसा चौका था यार नहीं पकड़ा गया उससे। ओके सो शुभमन गिल की हाफ सेंचुरी हुई है 66 रन्स हुए हैं और काफी अच्छा मैच है शुभमन के लिए। तो जो कह रहे थे कि शुभमन को जगह नहीं मिलेगी अभिषेक शर्मा और यशस्वी ऋतुराज आ जाएंगे अब वो फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शुभमन का भी कमबैक हो गया तो सबके अच्छी परफॉर्मेंसेज चाहिए तो किस किस को जगह मिलेगी ये तो अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ पे अभिषेक शर्मा के लिखे हुए हैं 10 रन्स
वो 10 पे अभिषेक शर्मा आउट हो गया, लास्ट टाइम उन्होंने सेंचुरी की थी, तो ऐसा होता रहता है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इट्स टू अर्ली टू जज कि कौन टीम में परमानेंट होगा और कौन नहीं होगा, क्योंकि जो जिनकी परफॉर्मेंस उस मैच में अच्छी नहीं रही थी, ऑब्वियसली वो ट्राई तो करेंगे आगे वाले मैचेस में। ऋतुराज की अभी तक सारे मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और 49 रन से यार 50 हो सकती थी, बट वो बस 1 रन से रह गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है। अभी 3 इंडिया ने जीती है, मुझे लगता है चौथा पांचवा भी इंडिया जीतने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।